अल्लाह का पता खुद ब खुद नहीं चला, अल्लाह तो हमेशा से और हमेशा रहने वाला है, हय्यू कय्यूम है, लेकिन अल्लाह को मानना रसूलों के जरिए पता चला है। अल्लाह पर ईमान नबी के वसीले से हुआ है, इसीलिए हम तवस्सुल को मानते हैं, वसीले को, कि अल्लाह को पहचानने का वसीला भी अल्लाह ने बनाया है और वो नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया, उनके ज़रिए लोगों ने अल्लाह को पहचाना ना। अल्लाह के एक होने की तालीम नबियों ने दी, रसूलों ने दी, तौहीद की तालीम नबियों ने दी, रसूलों ने दी, अल्लाह की इबादत की तालीम नबियों ने दी, रसूलों ने दी। तो रसूल तो बीच में आ गए, रसूल को हटाकर अल्लाह पर ईमान का दावा नहीं हो सकता। अल्लाह और रसूल एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। अल्लाह पर ईमान है तो रसूलों पर ईमान होगा, और रसूलों पर ईमान है तो फिर अल्लाह पर भी ईमान लाना जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि रसूलों पर तो ईमान है अल्लाह पर नहीं, ये कैसी बात हुई? रसूल अल्लाह ही के तो हैं, नबी अल्लाह ही तो बनाता है, रसूल अल्लाह ही तो बनाता है, और नबी और रसूल पर ईमान की तालीम और हिदायत अल्लाह ही ने तो की है, हुक्म अल्लाह ही ने तो दिया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये किसका हुक्म है? अल्लाह ही का तो हुक्म है कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। तो फरमाबरदारी अल्लाह और रसूल की दोनों साथ साथ चल रही है। इसलिए अगर यहाँ पर रसूल पर ईमान का जिक्र नहीं आया तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है, रसूल पर ईमान मौजूद है, अंडरस्टूड है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही, बेशक अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं। तो आबाद करना, इसमें कई चीज़ें दाखिल हैं। आबाद करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ बस, ये भी है, ये भी है, अफजल बात है कि मस्जिद इबादत के लिए बनी गई और इबादत गाह है, तो जब भी अजान हो जाए तो नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ। बल्कि ये तो नमाज के वक्त नमाज की बात हो रही है, यहाँ तो अल्लाह के रसूल ने अपने तर्ज अमल से हमें ये भी सिखा दिया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मस्जिद में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद अदा फरमाते थे, यानी मस्जिद का शुक्राना। तहियतुल मस्जिद क्या है? शुक्राना मस्जिद है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए।